तो आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। तो इसमें हम जो हमारी एक्सरसाइज है इस चैप्टर के वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी पहले चैप्टर का आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट इट। तो पहला क्या क्वेश्चन है, मॉन्क्स इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वेर कॉल्ड, तो ऑप्शन दिया है भिक्कुस भिकुनिस ऋषिस। तो इसका आंसर आएगा भिक्कुस, फर्स्ट जो ऑप्शन है भिक्कुस, ये वाला मैं जूम आउट जूम करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये भिक्कुस लिखा है, ये वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर दो। फर्स्ट का आंसर आएगा भिक्कुस, BHIKKUS, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, द स्पेशल मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, तो इसका कौन सा आंसर आएगा, 1954, इसका आंसर आप देखो इधर भी देख सकते हो, कभी ये पास हुआ था 1954, ठीक है, 1954 में पास हुआ था पहला ही। देखो आप द स्पेशल मैरिज एक्ट देख रहे हो आप, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में हुआ था। अभी और एक और बात आपको बता देता हूँ कि आप है ना, जब अगर वीडियो देख रहे हो तो आप उसको है ना ऑनलाइन ही देखो, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन देखोगे तो मेरा उससे वॉच टाइम नहीं पड़ेगा, तो उससे जो मोनेटाइजेशन है मतलब वो इनेबल नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको अगर ऑनलाइन देख सकते हो तो ट्राई करो कि ऑनलाइन ही देखो, ऑफलाइन डाउनलोड करके मत करो अगर आप, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आपके हिसाब से आपको जो भी मतलब ठीक लगता है वो करो। इसलिए क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो उससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मतलब जो टारगेट रहता है 4000 आवर्स का तो वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप ऑफलाइन डाउनलोड करके फिर देखोगे तो उससे मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा और मेरे को मोनेटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अगर ट्राई हो सके तो आप इसको ऑनलाइन ही देखो, नेट चालू रख के, ठीक है। तो आपके लिए मैं हमेशा वीडियो अच्छे अच्छे जो भी आंसर रहेगा वो आपको हमेशा कमेंट करके बता दो, तो आपको मैं आंसर बता दूंगा अगर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर 1 का, बी करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड री राइट इट। तो पहला जो हमारा है राजमार्ग हिंदुइज्म, ये भी राइट है, तीर्थंकर जैनिज्म, ये भी पेयर राइट है हमारा। अभी जो सेंट थॉमस और सिखिज्म दिया, ये हमारा रॉन्ग है, ये पेयर रॉन्ग है। सेंट थॉमस क्या थे, एन अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट, ठीक है, एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्रिस्ट, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो सेंट थॉमस कौन थे, एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कैसा है ये। ये देखो ये रहा आपका, मतलब मैंने ढूंढ लिया है, ये रहा सेंट थॉमस, ये जो आपको ऑरेंज में या फिर ये ऐसा हाईलाइटेड दिख रहा है, तो उसके आगे जो कॉमा करके लिखा है ना अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये आपको लिखना है, ठीक है, वो करेक्ट करके। और सिखिज्म का मैं बता देता हूँ आपको, सिखिज्म का क्या आएगा, गुरु ग्रंथ साहिब, सिखिज्म का क्या आएगा, गुरु ग्रंथ साहिब, मैं आपको बता देता हूँ लिख के, ठीक है, लिख के बता देता हूँ आपको स्पेलिंग क्या है इसका, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ये रहा आप देखो, आप देख लो एक बार अच्छे से आंसर, ये रहा गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपका आंसर आएगा सिखिज्म का। थॉमस का आएगा, अब फिर से आप बैकवर्ड करके मतलब पीछे जाके आप देख लो वीडियो को, और अभी जो दूसरा वाला है ये हमारा हो गया कौन सा है, सी आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द बॉक्स एंड री राइट इट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो ये बॉक्स में जो भी ऑप्शन दिए हैं उनको हम ये कि कौन से स्टेटमेंट में फिट बैठेंगे वो हमें लिखना है। तो एन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय, तो इसका क्या आंसर आएगा, ये आपको ऐसा ही स्टेटमेंट लिखना है और उसके आगे डैश करके आपको लिखना है ब्राह्मो समाज, ठीक है, क्या लिखना है आपको, ब्राह्मो समाज। मैं आपको प्रूफ के बाद साथ बता देता हूँ कि आंसर ये राइट है, देखो मैं इधर बता देता हूँ, जैसे मैं अभी इधर ब्राह्मो समाज लिख देता हूँ, ब्राह्मो समाज, ठीक है, तो आपको ये देखो मिल गया, फाउंडर इसका कौन है, राजा राम
मोहन रॉय। ठीक है, आपको आंसर मिल गया, ये आपका मतलब आंसर राइट है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोले रॉन्ग है तो उसको ये दिखा देना। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मो समाज। और अभी जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर आएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो ये दिया है सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका आंसर आएगा सेकंड का। हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन आएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ के साथ आंसर क्या है इसका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये देखो, आपको दिख रहा है आंसर, देखो ऑरेंज हाईलाइटेड में बता देता हूँ आपको, दिख रहा ही होगा आपको। ये देखो आप, दिख रहा है आपको, दिख रहा ही होगा अभी, ये देखो पूरा हाईलाइट कर दिया मैंने, ये आपका आंसर है। देखो आगे आप पढ़ सकते हो, द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यह आपका आंसर है। ठीक है, कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर 16 पे, सॉरी 18 पे, हाँ 18 पे हो गया आपका अभी। तो अभी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो इसका क्या आएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज इम्पॉर्टेड इन खानखास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि खानखा में अर्ली एजुकेशन नहीं होता था, वो किस में होता था, मकतब में, MAKTAB। इसका आंसर आएगा, ये जो अंडरलाइन है इसकी जगह खानखा की जगह क्या आएगा, MAKTAB। आपको मैं आंसर बता देता हूँ, MAKTAB। ठीक है, अर्ली एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन खानखास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा मकतब। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो मकतब में टाइप करता हूँ इधर, मकतब, हाँ ठीक है मकतब। अब ये देखो आपको मिल जाएगा इसका, मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो मकतब आ गया, मकतब फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। और खानखा क्या है, खानखा थियोलॉजिकल ट्रेनिंग, इसमें थियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती थी। खानखा में क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था छोटे बच्चों को। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या आएगा, मकतब, नहीं खानखा नहीं आएगा, मकतब आएगा। ठीक है, मकतब, हाँ MAKTAB। तो ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 का डी का 2 दिया है, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज इनिशिएटिव ऑफ महात्मा गांधी, इसका आंसर आएगा एनी बीसेंट। ये आंसर रॉन्ग है, महात्मा गांधी रॉन्ग है। क्या आएगा इसका आंसर, एनी बीसेंट, ANNIEBESANT, एनी बीसेंट। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, ठीक है, मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ इसका स्पेलिंग, मैं बता देता हूँ आपको एनी, ये देखो एनी बीसेंट आएगा इसका आंसर। ये देखो कौन था इसका फाउंडर, थियोसॉफिकल सोसाइटी का, एनी बीसेंट, ये आपका आंसर है। आप नोट डाउन कर दो जल्दी से, एनी बीसेंट आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ऑरेंज में हाईलाइटेड दिख रहा है। ठीक है, द थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर कौन है, एनी बीसेंट है। महात्मा गांधी क्या है, हरिजन सेवक संघ के फाउंडर है। तो अभी ये जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 9 पे। ठीक है, तो आप सब पेज नंबर 9 पे आ जाओ, उसका लास्ट पैराग्राफ में बता देता हूँ आपका आंसर कि एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड का आंसर क्या आएगा। ठीक है, पेज नंबर 9, ठीक है, ये रहा हमारा पेज नंबर 9। तो इसमें जो नेचर ऑफ एजुकेशन दिया है, इसमें जो इसका लास्ट पैराग्राफ है, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द कंटेंट ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन सेक्रेट लिटरेचर विच वॉज रिटन इन संस्कृत। ठीक है, विच वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। तो इसका आंसर आपको है ना, शॉर्ट नोट दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको है ना कितना करना है, तो वही इसका आंसर हमें ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड जो पेज नंबर 9 में स्टार्ट होता है उधर से लेके आपको यहाँ तक करना है। किधर तक, कि जो ये दिया है
ये शूद्रास लर्न एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ तक करना है वो, ठीक है। कहाँ तक? ये जो दिया है, द ब्राह्मण्स प्रोबेबली स्टेड इन दिस स्कूल अनटिल दे अटेंड मास्टर ऑफ द फोर वेदास। इसके जो पहले दिया है, वैश्या स्टडी ट्रेड एंड कॉमर्स एंड शूद्रास लर्न एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ तक आपको इसका आंसर कर देना है, ठीक है। इतना आंसर इनफ है, ठीक है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो दिया है, स्टेटस ऑफ वुमन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, इसका आंसर अभी आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा। पेज नंबर 8 पे राइट पैराग्राफ है उसका, फर्स्ट पैराग्राफ, राइट का फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 8। तो हम अभी जाते हैं पेज नंबर 8 पे। तो ये रहा पेज नंबर 8, इसमें दिया है स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि, हाँ सॉरी, मैं इसका आंसर आपको अलग से दे देता हूँ थोड़ा, कि आपको है ना, तो ये आप नोट डाउन कर दो, स्टेटस ऑफ वुमन इन द मेडिवल पीरियड। तो ये देखो, ये स्टेटस ऑफ वुमन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड का आंसर है ये। आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर दो, ठीक है। द स्टेटस ऑफ वुमन डिटेरियरेटेड इन मेडिवल पीरियड व्हेन कंपेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड, ये आपको आंसर लिखना है। इधर देखिए पूरा आंसर ये, ठीक है, ये वाला आंसर। और इससे थोड़ा इसमें ऐडअप करना चाहते हो आप, थोड़ा ऐड ऑन करना चाहते हो, तो ये इतना होने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके आगे थोड़ा दूसरा मैं लिख दूँ, मैं थोड़ा पैराग्राफ बता देता हूँ आपको दूसरा। तो आपको ये जो ये पैराग्राफ है वो वाला, स्टेटस ऑफ वुमन का, उसका आंसर आपने देखा था, मैंने आपको बताया था। तो उसके आगे क्या ऐड करना है कि पेज नंबर 9 पे आ जाने का है आपको, और जो राइट में थर्ड पैराग्राफ है उसका, विडो विडो मैरिज विच वॉज परमिटेड इन द पीरियड वैदिक पीरियड केम टू बी कंसिडर्ड टैबू, यहाँ से लेगा आपको। यहाँ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये भी थोड़ा ऐड कर दो इसमें, तो थोड़ा अच्छा आंसर बनेगा, ठीक है, ये आपको लिख दो इतना। तो अभी हम जो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं अभी, स्टेटस ऑफ वुमन इन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड में वुमन का स्टेटस कैसा था और लेटर वैदिक पीरियड में कैसा था, वो हमें अभी इसका कंपैरिजन करना और लिख देना है, ठीक है। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर, समझा होगा आपको, तो आप ये लिख पाओगे, नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इसके लिए, तो जो डिफरेंस बिटवीन दम या सॉरी डिफरेंसेस था स्टेटस ऑफ वुमन इन वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, उसके लिए आपको पेज नंबर 8 पे आ जाने का है। तो इसमें दिया है स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी। तो इसमें ये देखो दिया है, वुमन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड हैड एक्सेस टू वैदिक एजुकेशन, दे वर एंटाइटल्ड टू द उपनयन सेरेमनी विच एनेबल देम एंट्री इनटू द गुरुकुल सिस्टम ऑफ इंडिया एजुकेशन, द रिच वेदा रेंडर्स द हाई स्टेटस टू क्वालिफाइड वुमन, ठीक है। तो आपको ये पैराग्राफ इधर से लेके थोड़ा ये जो दिया है मैत्री या फिर ये एडुकेटेड वुमन वेर डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर यहाँ से लेकर आपको ये पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ अच्छे से पूरा एक बार कर देना है, ठीक है, इतना हुआ। और बाद में या फिर तीनों पैराग्राफ, सॉरी, वुमन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड एडुकेटेड वुमन वेर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज और वुमन वेर कंसिडर्ड एज यूजफुल, इसको थोड़ा शॉर्ट करके आपके ओन वर्ड्स में अच्छे से लिखो। और बाद में इसको कंपेयर करना है किससे, इन द लेटर वैदिक पीरियड द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणिक सिस्टम बिकम एंट्रेज। तो इसमें क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में लड़कियों को एडुकेशन कम दिया जाता था, उनका चाइल्ड मैरिज हो जाता था, ये सब इसमें दिया है। तो ये आपको लिख देना है, आपको समझ में आ जाएगा इतना, इन द लेटर वैदिक पीरियड और ये डिफरेंस था मतलब, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। तो अभी ये जो दिया है, एडुकेशन इन द एंशंट पीरियड एंड कॉलोनियल पीरियड इन द इंडियन सोसाइटी। तो एंशंट पीरियड में जो एडुकेशन था उसको कंपेयर करना है हमें कॉलोनियल पीरियड के टाइम का, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा एडुकेशन कैसा था। तो पहले हम जाएंगे एंशंट पीरियड में एडुकेशन कैसा था उसके तरफ, ठीक है। तो इसके लिए पेज नंबर आपको कौन सा आना है, पेज नंबर 9 पे आ जाने का है, नेचर ऑफ एडुकेशन। सब रिपीटेशन ही थोड़ा थोड़ा बार बार ओवरलैपिंग हो रहा है आंसर का। नेचर ऑफ एडुकेशन ड्यूरिंग दी एंशंट पीरियड या फिर वैदिक पीरियड, जो भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने दिया था
कि जैसे कि इसमें दिया है कि अर्बन सिविलाइजेशन इंस्क्रिप्शन ऑन सील्स देर इंस्क्रिप्शन ऑन हाउस होल्ड ऑफ जो वेर लिटरेट, तो ये अर्ली वैदिक पीरियड का थोड़ा आपको लिखना है और थोड़ा बाद में आपको थोड़ा इसमें से जो भी पॉइंट आपको थोड़ा ये पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और इसमें से आपको जो जो पॉइंट लगते हैं वो अच्छे से नोट डाउन कर देने हैं और बाद में उसको कंपेयर करना या फिर कैसे डिफरेंट था उसको इससे करना है। कॉलोनियल पीरियड पेज नंबर 15 का कॉलोनियल पीरियड है और 16 पे आपको एडुकेशन मिल जाएगा। ये देखो मैं जूम करके बता देता हूँ एडुकेशन, तो इसमें क्या था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो गया था और हर सेक्शन के लोगों को मतलब पढ़ने के लिए दिया जाता था और यहाँ ये सिस्टम सेकुलर था एडुकेशन का सिस्टम, मतलब सब लोगों को कोई भेदभाव नहीं होता था। और फिर बाद में यहाँ पर सब अलग अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए, मैथमेटिक्स साइंस फिलोसॉफी सोशोलॉजी हिस्ट्री ऐसे ऐसे वाले, ठीक है। और अलग अलग जो वैल्यूज़ थी रेशनलिटी इक्वलिटी सोशल जस्टिस सेकुलर अप्रोच एंड इंडिविजुअलिज्म गेन फॉर्मल ग्राउंड, ये वाला आपको ये डिफरेंसेस था, ठीक है। इतना ही बस और कुछ नहीं। और बाद में ये अभी क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 4 का वर्ण। तो वर्ण के लिए आपको क्या करना है कि वर्ण क्या होता है वो आपको बताना है, उसमें बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब आता है, वो हमें कॉन्सेप्ट बताने के वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको आंसर इसका। तो ये जो वर्ण ये कॉन्सेप्ट क्या था, तो इसके बारे में आपको आंसर इधर मिल जाएगा पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पे आपको आ जाने का है। और द वर्ण सिस्टम ड्यूरिंग वैदिक पीरियड रिफर टू द सोशल ऑर्डर ऑफ और क्लास ऑफ पीपल, देर वॉज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूडिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन, ठीक है। इट वॉज ऑनली तो ऑक्यूपेशन की तरह इतना लिख देना है और फिर आपको क्या करना है कि द फर्स्ट 3 वर्णस भी मतलब देर वर 4 वर्णस ब्राह्मण, और ये जो ये आपको डायग्राम दिया है जो भी मतलब फिगर दिया है, तो इसको अच्छे से एकदम उधर भले आप ड्रॉ कर सकते हो और उस तरह से आप थोड़ा बना सकते हो सेम टू सेम, ऐसा आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इतना करना और बाद में द फर्स्ट 3 वर्णस बिगन टू कॉल देमसेल्व्स अपर वर्णस, दे बिकेम द ट्वाइस बॉर्न द्विज बिकॉज दे वेर एंटाइटल टू द इनिशिएशन सेरेमनी उपनयन। इतना आपको लिख देना है आंसर और हो जाएगा आपका, ठीक है आंसर। और जो अभी दूसरा था सोशल लेजिस्लेशन, सोशल लेजिस्लेशन ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर, मैं आपको देखो बता देता हूँ। ये देखो आपको इधर मिल जाएगा, ये देखो पेज नंबर 17 पे आपको आ जाना है और इधर आपको सोशल लेजिस्लेशन मिल जाएगा। इसका क्या रहता है कि ये सोशल लेजिस्लेशन मतलब जिधर जो लॉज पास होते हैं सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए, सोशल वेलफेयर डिज़ायरेबल सोशल चेंज सोसाइटी में लाने के लिए, जो और जो दलित कास्ट है एससी एसटी या फिर ट्राइबल्स है उनको बचाने के लिए जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसे सोशल लेजिस्लेशन बोलते हैं। इसका थोड़ा आपको ये भले आपको किधर तक लिख देना है, सोशल इवेल्स अगेंस्ट प्रिवलेंट सोशल इवेल्स, यहाँ तक इसका आंसर लिख दो या ये पूरा लिख दो, इतना कुछ बड़ा नहीं है आंसर, बस 6-7 लाइन का है, आप पूरा भले लिख दो कुछ नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, तो इसका आंसर आपको क्या है, पॉलिटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, मतलब सॉरी या फिर जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, जैसे कि क्या मिला था वोटिंग राइट्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स व्हेन अटेंड 18 ईयर ऑफ एज ये वाला था, और बाद में डेमोक्रेसी थी और बाद में मल्टी पार्टी सिस्टम आया, ये 3 हो गए। और चौथा अभी क्या रहेगा, इक्वलिटी इक्वलिटी, ठीक है, ये आपको लिख देना है, इतना हो गया। और स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जो कॉलोनियल रूल हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इसका आंसर आएगा ट्रू। बुद्धिज्म स्प्रेड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका भी आंसर आएगा ट्रू, ठीक है, बेटर लो ये बहुत। और अभी गिव योर पर्सनल रिस्पांस, तो आपको इधर खुद का रिस्पांस देना है कुछ आंसर में से, आपको जो चैप्टर समझा है उसके बेसिस पे इसका इसमें से आपको सब आपके मन से लिखना है जो आपको समझ में आया है, ठीक है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रोवाइडेड होप टू ऑल पीपल, तो ये दोनों रिलीजन ने बहुत लोगों को होप प्रोवाइड किया है ऐसा मतलब इधर बोला गया है,
आपको इसको रीज़न देना है कैसे, मतलब क्योंकि वो दोनों धर्म या फिर रिलीजन बहुत एकदम ओपन माइंडेड थे और लोगों को फ्रीडम था, इंडिविजुअल फ्रीडम था, लोग अपने हिसाब से काम करते, कोई डिफरेंट भेदभाव नहीं होता था, ये सब वो मतलब इसके फीचर्स या फिर थे मतलब ऐसा, तो वो आपको लिख देना है जो आपको समझ में आता है। और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इवन इन द 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपको आपके हिसाब से लिखना है जो आपका नॉलेज है, हाँ है क्या नहीं वो आपको रीज़न देगा। अगर है तो कौन से मोमेंट है, जैसे पिंजरा तोड़ हुआ, मीटू मोमेंट हुआ, ये मीटू मोमेंट के बारे में आपने सुना होगा किससे रिलेटेड है, ठीक है आपको पता ही रहेगा। और सोशल और भाई जो पिंजरा तोड़ हुआ, वायलेटर, ये सब अलग अलग है मोमेंट्स, आप पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा, तो आपको इसका आंसर लिख देना है। तो अभी जो दिया क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, तो इसका आंसर अभी आपको ये जो समझा होगा तभी आप लिख पाओगे। डिस्कस विद रिलेवेंट एग्जांपल्स हाउ द फॉलोइंग पैटर्न हैव चेंज इंडियन सोसाइटी, तो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कभी इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कभी कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कॉलोनियल पीरियड में जो एडुकेशन का पार्ट है ये वाला देखो, ये देखो कॉलोनियल पीरियड आया पेज नंबर 15 पे, 16 पे आपका आ गया एडुकेशन, तो एडुकेशन में इसमें ये देखो, इट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द हाई स्कूल नाउ बिकेम इंग्लिश, इट बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल, ठीक है। और स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर ओपन टू ऑल इंडिविजुअल्स, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ मतलब इंग्लिश मीडियम का, कि लोग बहुत ईजिली मतलब एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कर पा रहे थे, लोगों को लिटरेसी जो डॉक्यूमेंट्स थे इंग्लिश में वो पढ़ने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, तो इस हिसाब से आपको लिख देना है पूरा। और बाद में अभी क्या लोअरिंग द एज ऑफ वोटिंग, तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में इंडिया में जो वोटिंग एज का था वो 18 पे कर दिया था, पहले 21 था, तो बाद में ये देखो आपको दिख गया, वोटिंग राइट्स आर गिवन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एट द अटेनमेंट ऑफ एज 18, पहले 21 था, ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। तो ये कैसे मतलब इसको जैसे सोसाइटी में चेंज आया वो आपको बताना है, ठीक है, उस हिसाब से। सोशल लेजिस्लेशंस वो देखो मैंने बताया था, लॉज बनाए जाते हैं जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में, और जो वल्नरेबल सेक्शन हो उसको प्रोटेक्ट करने में, तो वो सब आपको इधर बताना है। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको किधर मिलेगा, इधर मिल जाएगा आपको, ये कॉलोनियल पीरियड में आपको देखो इधर मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये देखो पेज नंबर 17 पे आपको मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसकी वजह से क्या इम्पेक्ट हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा हुआ मतलब तो उसकी वजह से क्या इकोनॉमी अच्छी होने लगी, कम्युनिकेशन अच्छे से ज़्यादा डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी आए, मोबाइल्स आए, टेलीफोन्स आए, जो भी आया मतलब मोबाइल तो बहुत बाद में आया, टेलीफोन पहले आया था सैटेलाइट के थ्रू जो भी होता था, ठीक है, तो उस या फिर जो भी रेडियो होता था उसकी वजह से कम्युनिकेशन बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से क्या मतलब इम्पेक्ट हुआ सोसाइटी पे वो आपको इधर बता देना है। बस और कुछ नहीं, बस हो गया हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दो बस।